तो मेरी पहली सोलो ट्रिप और उसका बस पैकिंग कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ कच्छ, देखते हो अभी पहले पैकिंग तो कर लूँ फिर आगे की बात। और भाई इधर लाओ थोड़ा, और ये जो मेरी बैग है भाई, बैग का वीडियो देख ले। और ये बैग है और सब सामान है, देखते हैं। तो फाइनली मेरी कंफ्यूज वाली पैकिंग हो गई। कब से कंफ्यूज है कौन सी चीज़ कहाँ पे रखे। कपड़े तो लिए, साथ में लैपटॉप भी लिया, मेमोरी कार्ड फुल हो जाए तो इसके लिए देखते हैं आगे की अपडेट। 10 बजे की रात को मतलब बस है अहमदाबाद से, देखते अभी जी। पता नहीं दिख भी रहा होगा कि नहीं, सुबह के बज गए 5 और मैं गांधीधाम पहुँच चुका हूँ अभी, और ये इसका बस स्टैंड भी आ गया है। और हमें जाना है भुज, और भी 1 घंटा और लगेगा इधर से। ठंड बहुत लग रही है बाहर, सबको देख के ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं अब क्या होगा, आगे देखते हैं। दिन ठीक ठाक आई है, चलो देखते हैं आगे। सुबह के 7 बज रहे हैं और पता भी नहीं, इधर अभी तक अंधेरा है और ठंड भी इतनी है। इधर से कच्छ तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास है, पता नहीं दिख भी रहा है क्या नहीं दिख रहा है। 100 किलोमीटर के आसपास है, और मैंने एक डायरेक्ट ऑटो ही जो मेरे पीछे खड़ी है वो ऑटो ही करा ली है, 1200 रुपये में नक्की किया हुआ है। कुछ बस इधर से जाती है, इधर से रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा पहले मेरे को, और फिर उसके बाद बस 200 रुपये के आसपास कुछ चार्ज लेती है। और मतलब हर जगह बस नहीं घुमाती है, कहीं एक पिकअप पॉइंट पे ड्रॉप कर देती है, फिर वहाँ से कुछ ढूंढने का। और तो ये ऑटो वाले भाई साहब से मतलब डील हो गई अच्छी, कि वो मेरे को पूरा दिन घुमाए गए। और इधर भुज से 100 किलोमीटर मतलब जाने का है कच्छ, और 100 आने का, और पूरा दिन वहाँ घुमाए गए। अंदर भी मतलब 20-1 किलोमीटर के आसपास है ऐसा बोल रही है भाई साहब, फिर आगे पता मतलब क्या होता है। तो देखते हैं अभी 200 किलोमीटर आना जाना और वहाँ पूरा दिन घुमाने के 1200 रुपये मैंने मतलब डील की हुई है, अभी देखते हैं। चलो आगे का वीडियो मैं फिर आगे बनाता हूँ। पीछे बस आ गई, मेरा वेट कर रहे थे अंकल, कोई बात नहीं चलो जी। और एक बेहतरीन जगह हमें देखने को मिली है, और वो है ये, यही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग फ्रॉम हियर, कर्कवृत इधर से ही पसार होती है। देखते हैं, मैं वहीं मतलब बीचों बीच वो लाइन पे खड़ा रहता हूँ जहाँ से कहाँ गया बोर्ड। हाँ यहीं रोड क्रॉस करते हैं अपने, वहीं लाइन पे मैं खड़ा हूँ जहाँ से कर्कवृत पसार होता है। क्या बात है, और सनराइज भी पीछे अच्छा हो रहा है, बहुत परफेक्ट लाइन पे हो रहा है सनराइज भी, वहीं यही पूरा खाली रोड है। और ये हमारे ऑटो वाले भैया भी बहुत अच्छे इंसान मिल गए हमको, और यही है जगह। पता नहीं 5-1 मिनट इधर बैठता हूँ फिर कब आना, मतलब कब आते हैं किसको बताए। हाँ
ये ऑटो वाले भैया को पता नहीं है कर्क वृत्त क्या है, तो उनको भी समझा होगा अभी ऑटो में बैठ के मैं। चलो तब तक बाय। अभी 60 किलोमीटर है इधर से वाइट डेजर्ट, तो पहले वहाँ पहुँचने का है। बोला है कि जैसे मतलब धूप आएगी उतनी ही गर्मी बढ़ेगी, तो जल्दी पहुँच जाते हैं सुबह सुबह तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। सो ठंड कितनी है उसका हिसाब हम लगाते हैं कि ठंड इतनी है कि ऑटो बंद हो गई हमारी, और उसकी वजह भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ ऑटो में। और जो ये पार्ट दिख रहा है ये सब मतलब बर्फ़ बर्फ़ हो गया है, और इसकी वजह से ऑटो हमारी स्टॉप हो गई है। और जो ऑटो वाले भाई साहब है वो गर्म पानी करने गए हैं, तो इसके ऊपर गर्म पानी डालेंगे और फिर जब ये मतलब थोड़ा बर्फ़ हट जाएगी, गर्म होगा, फिर उसके बाद ऑटो स्टार्ट होगी। तो मतलब बहुत ही कातिल ठंड है, अभी बोल भी नहीं सकता मैं, इतनी ठंड है। चलो देखते हैं फिर आगे। और ये है टेंट सिटी, जो ऑनलाइन बुकिंग करने पर ही अंदर आने देते हैं। फिर वाइट डिज़र्ट जाने का रास्ता है इधर से, और 8 किलोमीटर है वाइट डिज़र्ट। अच्छा ये इधर रुकने का है टेंट में, जो रुकने हो तो। अच्छा दोनों बाजार है, इधर का बाजार है। और ये रिक्स ऑटो वाले भैया से मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ, और देखते हैं कितने लिए भैया फोटोज। और मैं जहाँ पे हूँ वो जगह ये है, और यहाँ पे है अभी हम। भाई साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान सामने ही दिखता है, देखते हैं। पर वाइट डिजर्ट तो अभी दिख रहा है, सामने है वाइट डिजर्ट। इधर जो पीछे टावर दिख रहा है वहाँ ऊपर जाने का, वहाँ से पूरा मतलब वाइट डिजर्ट आपको दिखेगा। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, और फोटोग्राफी के लिए मतलब बहुत बढ़िया जगह है। अभी पीछे जो ये ऊँट वाले भैया खड़े हैं ये बोल रहे हैं 100 रुपये में ये अंदर ले जाएंगे, और वहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी हम कर सकते हैं, ऊँट पे ले जाएंगे। मतलब इधर सब स्टार्टिंग में पानी जैसा है, तो उसकी वजह से जो आपको वाइट डेजर्ट के अंदर जाना हो तो ये ऊँट की सवारी करनी ही पड़ेगी, ऐसा लग रहा है मेरे को। पर पता नहीं, अभी देखता हूँ मैं। पहले ये टावर पे जाते हैं अपने, और फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं। वहाँ ऐसा बोल रहे थे ऑटो वाले भैया कि रात को मतलब आप टावर पे चढ़ोगे तो मतलब
जो लाइट होती है यहाँ से टावर से पाकिस्तान भी दिखता है, वहाँ की लाइटें दिखती है, ऐसा है। चलो देखते हैं अभी क्या होता है, अभी तो दिन में कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ अपना एरिया थोड़ा डेवलप है पर वहाँ पाकिस्तान में कुछ डेवलप है नहीं, तो चलो। और टावर पे पीछे अच्छी सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, और अभी मैं मतलब ठंडी और कोहरे की वजह से सामने कुछ दिख नहीं रहा, पर जो पाकिस्तान का व्यू है वो मेरे पीछे ही आएगा। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है वो पूरा पाकिस्तान दिखेगा। मतलब यहाँ से अब इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर आती है और बस थोड़े ही दूर जाते हुए पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। चलो देखते हैं। जो सामने का पूरा पार्ट है ये पाकिस्तान है। रात को लाइट चालू मतलब वहाँ की दिखती है बॉर्डर की और वो सब। से निकल रहे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था सच में। और अच्छी बात ये रही कि अभी अभी 5 मिनट पहले ही हमने इंडियन एयरफोर्स के दो जो प्लेन होते हैं अभी अभी देखे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। फाइटर प्लेन थे इंडिया के, और मतलब क्या आवाज़ थी, मतलब इधर उतनी पब्लिक भी नहीं थी और इतना सन्नाटा था और पता ही नहीं चला कब निकले और कब, मतलब जो उसका कहते हैं ना कि ऐसे फटाफट आके चले गए, और जो सीन था मतलब दिल खुश हो रहा है इतना, मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसा सीन देखा है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा है, भले ही मतलब सुबह से जर्नी मतलब कोई होटल वोटल रखी नहीं, वही सामान मेरा ऑटो के अंदर ही है और सुबह सुबह ही मैं निकल गया था। मैंने सोचा था मैं थक जाऊंगा, पर अभी मतलब
हर चीज़ अच्छी होती जा रही है तो बहुत मज़ा आ रहा है। और एयरफोर्स का पहले से ही मुझे बहुत शौक है, तो उसके दो फाइटर जेट देख के दिल खुश हुआ है। अभी आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ आगे कुछ हट से तो वहाँ शॉपिंग के लिए क्या है और क्या खाना पीना है वो भी मैं दिखाऊँगा अभी आपको।